सभी सभा ने क्लास प्रयागराज में आपका स्वागत है। न्याय की त्रिपाठी के लिए विधान को पढ़ और अभी पढ़ रहे थे संविधान। आज हमें पढ़ना है संविधान सभा। भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कब उसकी कैसे मांग उठी और किस किस तरह से फिर उस पर आगे कार्य हुआ, इन चीजों तो वास्तव में संविधान सभा के गठन की मांग जो है, ये मांग अनौपचारिक रूप और औपचारिक रूप दोनों तरह से हुई। अनौपचारिक रूप से महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए, अर्थात वह डायरेक्ट रूप से संविधान सभा के गठन की बात कर रहे हैं। औपचारिक रूप से जो इसकी मांग हुई वह व्यक्तिगत रूप से भी हुई और राजनीतिक दलों के द्वारा भी हुई। व्यक्तिगत रूप से इसकी मांग सबसे पहले M.N. राय ने की, मानवेंद्रनाथ राय ने, और राजनीतिक दल के रूप में इसकी मांग सबसे पहले स्वराज पार्टी ने, और ये मांग की गई थी 1934 में। 1937 में कांग्रेस ने अपने फैजपुर अधिवेशन में इस मांग का समर्थन किया, अर्थात 1937 से कांग्रेस ने भी विधानसभा के गठन की बात कहना शुरू। तो ये मांग कैसे, कहाँ कहाँ क्या हुई, विधानसभा गठन की मांग के ये कैसे हुई, व्यक्तिगत रूप कैसे लिखा, गठन की व्यक्तिगत राजनीतिक दल के रूप राजनीतिक दल के व्यक्तिगत रूप और राजनीतिक व्यक्तिगत रूप से मांग सबसे पहले किसने, M.N. राय मानवेंद्रनाथ राय बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, इन्होंने मांग की। और राजनीतिक दल के रूप में कि सबसे पहले तो मांग किसने, स्वराज पार्टी ने मांग की। और फिर 1937 कांग्रेस कहाँ मांग की, फैजपुर अधिवेशन में M.N. राय ने भी मांग कब की थी, 1937। इस तरह से 1934 में M.N. राय के द्वारा व्यक्तिगत रूप से मांग की गई और पार्टी के रूप में राजनीतिक दल के रूप में स्वराज पार्टी ने मांग की। और ये इस तरह से भारतीयों के द्वारा विधानसभा के गठन की मांग होने लगी। लेकिन अंग्रेज सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो इसी नीति पे काम कर रही थी लगता है कि सुनो और अनदेखा कर दो। तो इसमें भारतीयों की ओर से मांग हो रही थी, अंग्रेज सरकार ने यहाँ तक कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन घटनाक्रम कुछ बदलता रहा, आगे चल के क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। और जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो फिर अंग्रेज सरकार को भारतीयों के सहयोग की जरूरत पड़ी, और जब अंग्रेज सरकार को भारतीयों की जरूरत पड़ने लगी तो फिर उन्होंने क्या किया, भारतीयों की मांगों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। और 8 अगस्त 1940 को आठ अगस्त चालीस
इस डेट को क्या हुआ, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो ने घोषणा की कि युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्या हुआ, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो लॉर्ड लॉर्ड लिन की युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्या घोषणा की, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया, पश्चात संविधान सभा का गठन। गठन किया जाए संविधान सभा का गठन किया है। और इस घोषणा को जो घोषणा की गई है गई थी वो तो क्या कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव। इस कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव, तरह से अगस्त प्रस्ताव कब आया, 8 अगस्त 1940 को। और इसमें इस प्रस्ताव में क्या कहा गया, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये अगस्त प्रस्ताव। अब सारी भारतीयों ने इस पे विशेष गौर नहीं किया क्योंकि तो वो अंग्रेज सरकार के कार्यशैली से भांति परिचित थे कि ये सरकार किस तरह से काम करती है, इसलिए तो उन्होंने इस पे बहुत गौर नहीं किया। अब धीरे धीरे इंग्लैंड स्थिति युद्ध में कमजोर होने लगी, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति कई बार कमजोर, तो उन्हें भारतीयों के सहयोग की जरूरत थी। जापान की स्थिति लगातार मजबूत हो रही थी, ऐसे में भारतीयों के सहयोग की जरूरत थी। 1942 में मिशन भारत आया कब, 42 में। और क्रिप्स मिशन ने जो तो अपने प्रस्ताव दिए उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिप्स प्रस्ताव, उन्हें कहा जाता है क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स प्रस्ताव दो भागों में विभाजित थे, के दौरान दौरान और दूसरे युद्ध के बाद बाद युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद दो भागों में प्रस्ताव उन्होंने। और हमें यहाँ जरूरत किसकी है, युद्ध के बाद के क्या प्रस्ताव थे, उन्होंने क्या कहा, युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इस संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा, अर्थात प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। इन्होंने क्या कहा, युद्ध के बाद प्रांतों विधानसभाओं के द्वारा विधानसभा का सदस्यों का चुनाव किया जाए, विधानसभा के चुनाव किया, मतलब विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। और प्रस्ताव के बारे में क्या बात है, प्रस्तावों को अधिकांश क्या लगभग कहा जाए कि सारे राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया, सभी दलों ने इसको अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन ने अपने प्रस्ताव वापस ले लिए, अपने प्रस्ताव वापस ले लिए। इन्होंने कहा था कि संविधान सभा का गठन कैसे किया जाएगा इनडायरेक्ट, वो प्रस्ताव इन्होंने वापस ले लिया, सारे प्रस्ताव इन्होंने वापस ले।
अब क्या हुआ, तो 45 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, 45 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के साथ ही अंग्रेजों की स्थिति भी कमजोर पड़ गई, अंग्रेजों की स्थिति कमजोर पड़ गई। और भारत में भी कुछ ऐसी स्थितियां थीं, जैसे मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, और जो स्थितियां थीं वो तरह की थी कि आजाद हिंद फौज पर जो मुकदमा चला था उसके कारण ड्रो भी हो गया था। तो ऐसी स्थितियों में भारत में जो वैधानिक संकट दिख रहा था, वैधानिक संकट को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने क्या घोषणा की, 1946 में उन्होंने घोषणा की एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल हम भारत भेजेंगे, और यह उच्च स्तरीय शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को भारत आया, और इस शिष्टमंडल में 3 सदस्य थे। क्या स्थिति, फरवरी 1946 में, फरवरी 1946 में ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इटली ने शिष्टमंडल भारत भेज, भारत भेजने साथ ही भारत भेज आगे सिस्टमंडल चौबीस मार्च 1946 को भारत आया, 24 मार्च 1946 को भारत आया, 24 मार्च 1946 को भारत आया, भारत आया। यह शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को भारत आया। इस शिष्टमंडल में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। ये जो शिष्टमंडल है 24 मार्च 1946 को भारत आया, 3 सदस्य थे, सदस्य नाम हम लिख, तीन कौन कौन, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड लॉरेंस ना लिखा है, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, और ए बी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। जब ये सिस्टम भारत आया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वावेल, या भारत के वायसराय थे लॉर्ड वावेल, और उस समय भारत सचिव कौन थे, यही पैथिक लॉरेंस। और ये पैथिक लॉरेंस इस मंडल के अध्यक्ष थे, मंडल के अध्यक्ष। भारत सचिव, भारत सचिव, भारत सचिव मंडल के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे एवं भारत सचिव। स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर
ब्रिटेन की कैबिनेट के सदस्य थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे अर्थात वाणिज्य मंत्री की तरह थे, और ये नौसेना मंत्री। दरअसल इंग्लैंड की नौसेना बहुत मजबूत थी, वहाँ पे नौसेना मंत्री ही बनाए जाते थे। ये तीनों के तीनों पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए वी अलेक्जेंडर, तीनों के तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। इसी कारण इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन पड़ा, इस शिष्टमंडल का नाम कैबिनेट मिशन पड़ा, का नाम कैबिनेट मिशन, कैबिनेट पड़ा इस शिष्टमंडल का नाम, क्योंकि इसके तीनों सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। तीनों सदस्य इसके जो थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन। और जब ये भारत आया था मंडल समय समय क्या स्थिति समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड बॉम्बे। अब देखिए भारत में संवैधानिक संकट था, पाकिस्तान की मांग कर रही थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने उसका विरोध किया। मुस्लिम लीग द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता देती थी और कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं माना, उसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया, उसने द्विराष्ट्र सिद्धांत को कभी भी मान्यता नहीं दी। लेकिन मुस्लिम लीग इस सिद्धांत को मानती थी और वो देश के विभाजन पर अड़ी हुई थी। इस तरह से भारत में संवैधानिक संकट। ये मिशन जब भारत आया तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले गवर्नर जनरल से मुलाकात की, गवर्नर जनरल से बातचीत, और गवर्नर जनरल से बातचीत करने के बाद में ये इस तर्क पे पहुंचे कि भारत में इस बड़ी जटिल है। फिर इन्होंने सभी राज्यों के गवर्नर्स को बुलाया, उनसे भी बात की, उनसे भी पूछा कि स्थिति क्या है। सभी ने लगभग कहा बहुत ही कम है, पाकिस्तान की मांग को लेकर अड़ी हुई है मुस्लिम और किसी भी मत पर वह इसको पाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस ने इसका हमेशा विरोध किया, लगातार विरोध किया। ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल ने और कैबिनेट मिशन ने क्या किया, उन्होंने भारत के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया और सबसे अलग अलग बात की, लेकिन बात से कोई हल निकला नहीं। और जब बात से कोई हल नहीं निकला तो फिर कैबिनेट मिशन ने सभी राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन बुलाया शिमला में, और वह सम्मेलन 5 से 11 मई 1948 तक चला था। अगला क्या है, शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब से कब तक हुआ? 5 मई से 11 मई। उद्देश्य क्या था? सभी राजनीतिक दलों एक राय बनाना और भारत के संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना, का उद्देश्य था संविधान निर्माण के लिए हेलो राय जानना या राय बनाना राजनीतिक दलों एक मत करना, सभी राजनीतिक दलों को एक मत करना, एक मत। और कैबिनेट का था ना माहौल में सभी एक अच्छा माहौल पाएंगे और शायद कुछ हल निकल आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और शिमला सम्मेलन असफल हो गया। पाकिस्तान की मांग पर मुस्लिम लीग अड़ी रही और कांग्रेस ने उसका विरोध किया। तरह से इस
सम्मेलन का कोई निष्कर्ष नहीं था और ये क्या हो गया, असफल। और जब ये असफल हो गया के बाद 16 मई 1948 को कैबिनेट मिशन ने अपनी तरफ से कुछ प्रस्ताव पेश किए और उन प्रस्तावों को ही कहा जाता है कैबिनेट मिशन, इन्हीं प्रस्तावों को कहा जाता है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन है 16 मई मई 1948 को कैबिनेट मिशन ने मई 1948 को कैबिनेट मिशन अपनी प्रस्ताव पे और सभी राजनीतिक दलों ने इसे मान लिया, सभी राजनीतिक दलों ने मान लिया। और इसे ही कहा जाता है कैबिनेट मिशन योजना, लाइन को भी लिखते हैं, इसे ही कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। कहा जाता है यही कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। क्या क्या प्रस्ताव थे? सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण नहीं होगा, देश का विभाजन नहीं होगा, अर्थात देश के विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया कैबिनेट मिशन ने। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण नहीं होगा। दूसरी बात क्या कही उन्होंने? उन्होंने कहा एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तीसरी बात क्या कही कि जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन, एक अंतरिम सरकार के गठन की बात कही। और भारत के लिए एक संघ बनाने का प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन योजना में क्या क्या बातें थी? सबसे पहली बात क्या थी? पाकिस्तान मांग को अस्वीकार कर दी, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान की कर क्या गया, पहली बात। बात क्या थी? भारत के लिए संघ बनाने का प्रस्ताव किया गया, भारत के लिए एक संघ बनाया जाएगा। बात ये भारत के लिए एक संघ बनाने का प्रस्ताव किया गया, भारत के लिए एक संघ बनाने का प्रस्ताव किया गया। गया भारत के लिए बनाने का प्रस्ताव। बात
सरकार के गठन की बात कही गई कि अंतरिम सरकार का गठन किया और एक संविधान सभा का गठन किया। गठन का प्रस्ताव किया गया, गठन का प्रस्ताव किया गया, विधानसभा के गठन का प्रस्ताव किया गया और एक और अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव किया गया। सरकार के गठन का प्रस्ताव किया गया, गठन का किया गया। अब एक बात ये आती है दिमाग में, 11 मई 1948 को सत्ता सम्मेलन असफल हुआ और असफल क्यों हुआ था, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान से कम की मांग पर तैयार ही नहीं थी, वो अपनी पाकिस्तान की मांग को मनवाना चाहती थी, उससे कम पे कुछ पे भी वो तैयार नहीं। और 16 मई 1948 को जब कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव दिए तो उस प्रस्ताव को सभी राजनीतिक दलों ने मान लिया, मुस्लिम लीग ने भी माना, जबकि उसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया। ऐसी बात क्या थी, क्या लगा, क्या कारण हुआ, अगर विचार करते हैं तो कुछ कारण जरूर दिखाई देता है। और देखने पर ये लगता है वास्तव में कैबिनेट मिशन ने जो संविधान सभा के गठन की बात कही थी वो किस तरह से कही थी, कहा कि सभी ब्रिटिश प्रांतों को, समय कुल 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उसने कहा सभी ब्रिटिश प्रांतों को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया जाएगा और हर वर्ग में एक, वर्ग ए में हिंदू बहुल आबादी वाले राज्य रखे जाएंगे, वर्ग बी और सी में मुस्लिम बहुल आबादी वाले राज्य रखे, वर्ग बी में पश्चिम की ओर जो मुस्लिम बहुल आबादी के राज्य हैं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पंजाब और सिंध इनको रखा जाएगा, और पूरब के जो मुस्लिम बहुल आबादी के राज्य हैं असम और बंगाल उनको वर्ग सी। और उसने कहा कि कैबिनेट मिशन योजना में कहा गया इसमें जो राज्य होंगे वे पहले अपना संविधान बनाएंगे और फिर वर्गों के संविधान बनेंगे और फिर पूरे भारत का एक संविधान बनेगा। तो इस तरह से मुस्लिम लीग को अपनी मांग, जो उनकी मांग थी, जो उनका उद्देश्य था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे संतुष्ट दिखी, शायद इसीलिए उन्होंने इस कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया था। तो कैबिनेट मिशन योजना में क्या किया गया, कुल जो राज्य थे कितने राज्य थे, 11 राज्यों के वर्ग बनाने की बात कही, 3 वर्ग, वर्ग ए, वर्ग 11 राज्य वर्गों में, ऐसे लिखो 11 राज्य थे 3 वर्गों में विभाजित, राज्य वर्गों वर्गों में विभाजित कर, ग्रुप ए बी और सी 3 वर्गों में यहाँ पे विभाजित। वर्ग ए में कौन कौन से राज्य रखे गए, हिंदू बहुल आबादी वाले राज्य, बहुल आबादी वाले राज्य, और बी में क्या रखे गए, पश्चिम के, क्या रखे गए, पश्चिम के मुस्लिम बहुल आबादी वाले राज्य, और क्या रखे गए, सब के
बहुल आबादी वाले राज्य। अब देखिए, हिंदू बहुल आबादी वाले राज्य कौन कौन से थे? संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, बंबई और मद्रास। ये रखेगा पर गे में। कौन कौन से थे? संयुक्त प्रांत अर्थात जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और यहीं पे लिखने बगल में बिहार, और उसके बाद में उड़ीसा और बम्बई, सब जितना आज महाराष्ट्र है, गुजरात है ये, और उसके अलावा क्या था, मद्रास मतलब जो है तमिलनाडु, ये रखे गए। ठीक, और इसमें कौन रखे गए, इसका कौन रखे गए? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध, अब कौन रखे गए? बंगाल और ये व्यवस्था क्या की गई कि ये राज्य और ये वर्ग अपने अपने संविधान बनाएंगे और उसके बाद में फिर भारत का संविधान बनेगा। इस तरह से ये संविधान सभा के गठन के संदर्भ में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव थे, और इसी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर विधानसभा का गठन हुआ, और उस विधानसभा का गठन होने के पहले अंतरिम सरकार गठित हुई थी। अंतरिम सरकार पे हम ये चर्चा करेंगे अगली क्लास में, आज की क्लास बस इतना। तो अगली क्लास में हम अंतरिम सरकार जो गठित हुई थी और उसके सदस्य कौन कौन से, चर्चा कर लेंगे, और उसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किस आगे चल